हेलो दोस्तों, और आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये इसमें एक बड़ा अजब गजब का फॉल्ट आ गया है जो कंट्रोलर हमारे पास आया हुआ है। और आप भी देखोगे तो कहोगे कि यार क्या बात है, इसमें किस तरीके का फॉल्ट आया है। इसका मोसफेट जो है यहाँ का, ये बार बार फूक जा रहा है। और इससे पहले जब ये आया था मेरे पास, आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो इसके सारे जो ये कंडेंसर है, जितने फिल्टर, ये सारे फूल चुके थे। मेरे हाथ में है अभी, आप देख पा रहे। और ये सारा मैंने निकाल निकाल करके, ये सारे ये देख रहे हो कैसे फूल गया है, सारे के सारे। देखो नीचे गिरा, उठा लेना थोड़ा सा, ये ऐसे सारे के सारे नीचे से उठाना। और ये फूल गया था तो सबसे पहले सारा बदलना था, फिर मैंने इसमें क्या किया, सारा चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज करने के बाद अब इसमें मैंने जो ट्रेस किया था, अब ट्रेस करके मैं आपको दिखा कि ये इसमें किस तरीका करता है। ट्रेस का सारा मोसफेट भी मैंने निकाल दिया है और इधर का भी निकाल दिया है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये था जब हम इसको ट्रेस कर रहे थे। तो एक मिनट पकड़ना मोबाइल ज़रा, और एक तरह का मीटर ऐसा भी आपको रख लीजिएगा, सही रहेगा, इससे आपका एम्पियर वोल्ट दोनों पता चलता रहता है अगर ये लोड लेता है तो। ठीक है, इस तरीका के। और एक मिनट मैं ये थोड़ा सा फूस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा माइनस सेक्शन है और ये हमारा प्लस सेक्शन है। ये प्लस वाला जो है, ये प्लस सेक्शन जो पत्ती लगा है ये प्लस साइड में जा रहा है, और यहाँ से सांट लगा है माइनस में से, ये सांट लगा करके यहाँ पे ये दे रखा है पत्ती, तो ये माइनस सेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये माइनस वाला सेक्शन ये हमारा हो गया है और ये हमारा प्लस वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेस करते हैं और दोनों में कंपेयर करके पहले देखते हैं फिर आगे। अब जैसे कि आपको पता है ये माइनस सेक्शन है तो इस पर हम प्लस का लगाएंगे। ठीक है, और प्लस पर लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो पहले हम इस सेक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स है, सोर्स पे ये 465 आ रहा है रीडिंग, मीटर पे दिखाना 465 आ रहा है। और गेट पे क्या आ रहा है, गेट पे देखो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इस पर नापते हैं तो ये हमारा सोर्स पे दिखाना रीडिंग कितना 64 आ रहा है, और इसके सोर्स पे कितना आ रहा है 468 आ रहा है। एक तो ये फॉल्ट है, और जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये गेट है, ये गेट पे भी सप्लाई आने लग जाता है। गेट पे सप्लाई जो आता है, देखो यहाँ से मैंने सारे रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से मैंने इसका हटा दिया है, कंडेंसर भी हटा दिया, ट्रांजिस्टर भी हटा दिया, एक डायोड से भी हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पूरे 48 वोल्ट बन रहे हैं और यहाँ भी 48 वोल्ट बन रहा है ये आगे। अब ये सोचने वाली बात है, 48 वोल्ट जो बन के आ रहा है, अब इधर से बन के आ रहा है या इधर से आ रहा है। तो फिर इसको मैंने जब ट्रेस किया, तो ट्रेस करते करते जब इसका जितना भी रेजिस्टेंस था यहाँ का, मैंने इसका वैल्यू सारा नाप कर देखा और आपको भी पहले दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा और जूम करना, यहाँ जो रेजिस्टेंस दिखनी चाहिए इसका वैल्यू दिखाना। अब देखो यहाँ पर है 222 यानी 222, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूटी में नाप, अगर इसको नापता हूँ और की तरह मैच कर करके, तो ये कंटिन्यूटी में मैच में तो वैसे ही दिखाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बात बनता नहीं है, क्योंकि जब सप्लाई जाता है तो ये सेक्शन चेंज हो जाता है। तब ये रेजिस्टेंस सही है कि ख़राब है कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू देखना पड़ेगा। 222 हो गया है, 222 को अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको जैसे पता है कि दो अंक होता है, पहला 2 दूसरा 2, तो अंक लिख देते हैं, और दूसरा जो 2 है उसका 20 हो गया, यानी कि 22 और 00, यानी हो गया आपका 22 00। एक और कैलकुलेटर है मेरे पास, घर का फ़ोन, ये दोनों रेजिस्टेंस पहले देख लो, ये कितना है 222, और इसके बगल में लगा है 152। ठीक है, इसको हम दोनों का पहले वैल्यू निकालेंगे और मीटर से लगा कर देखेंगे। अब इधर थोड़ा सा ऐसे करो कैलकुलेटर में, अब जैसे मैंने था 22, तो 22 का हमें क्या करना है, 2 और 2, दो अंक का अंक हो जाता है, और उसके बाद जो तीसरा नंबर पे 2 था, तो 2 का मतलब होता है 20 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 हो गया, और डिवाइडेड हमें 1000 से करेंगे फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, वो उतने का रेजिस्टेंस बताना चाहिए। ठीक है, अब डिवाइडेड अगर हम 1000 करते हैं तो ये हमारा जो बनता है 2.2, तो 2.2 के रेजिस्टेंस है ये, 2.2 के भी बोल सकते हो या 2K2 भी बोला जाता है इसे। ठीक है, अब इसको मैं मीटर में रेजिस्टेंस मोड में, इधर दिखाओ मीटर को,
रेजिस्टेंस मोड में मैंने लगा दिया है, और आपको मैं ये वैल्यू जो है नाप कर यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब वहाँ मीटर भी करना जो दिखा है, देखो 2.2 दिखा रहा है, यानी कि लगभग ठीक दिखा रहा है, पॉइंट दिख रहा है उसमें मीटर में, ये मोबाइल में देखो सही से दिखना चाहिए, किधर गया, हाँ 2.2 दिखा रहा है, और इधर नीचे का भी था 2.2 यानी 2.2 दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरीका से 2.20 मतलब लगभग ठीक है, ये रेजिस्टेंस ठीक है, इस तरीके से वैल्यू नाप लेना, ठीक है। और ये जो था इसके बगल में, ये नीचे दिखाना 1.52 था, दिखाना यहाँ पे, ये क्या है, किधर गया ये, हाँ 1.52, तो ये इसका वैल्यू बनेगा 1.52 का मतलब हो गया 1K5 आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो 1 हो गया, और क्या था, 5 हो गया, 2 का मतलब 00 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड 1000 अगर हम करते हैं तो ये देखो रिजल्ट आ रहा है 1.5K, ठीक है, 1.5K। अब हमारा ये मीटर में रेजिस्टेंस मोड में लगा लेना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेना है, तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए रेजिस्टेंस में भी, उसमें भी दिखाओ, क्या बोलते हैं, मीटर में भी आना चाहिए, सॉरी ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा, हाँ देखो 1.49, 5% आगे पीछे होता है 10%, तो यानी कि लगभग 1.5K भी रेजिस्टेंस ठीक है। उसके बाद अब आगे हम इसी तरह, अब ये देखिए, अब ये हमारा 2 तो हो गया, और ये भी रेजिस्टेंस हो गया, अब इसके बगल में ये है, ये है ना, नहीं ये भी ये हो गया, अब ये रहा शायद, है ना 102, इसको भी देख लेते हैं। अब 102 है, तभी 102 का भी उसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, ये आपका 1K रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 102 का यहाँ पे, ठीक है। अब 102 का मतलब हो गया 10, 2 का 20 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 का 20 हो गया, ठीक है। 00 डिवाइडेड 1000 अगर हम करते हैं तो ये हमारा बनता है 1K, ठीक है, क्योंकि 1000 से अगर ऊपर जाता है तो 1K में जाता है, और 1000 से नीचे आएगा तो ओम में जाएगा, ठीक है। 1000 से नीचे होता है तो ओम में जाएगा, और उसी में भाग जी, 1000 से नीचे नहीं लगा तो भाग भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट ओम में हो जाता है, और 1000 से ऊपर चला जाता है तो वो के में चला जाता है, ठीक है। अब इसको हम नाप के देखते हैं, 102 था, तो मीटर में दिखाना, मीटर में देखो देखो वो है 100 यानी 1K लगभग, ठीक है 99, ठीक है, लगभग ये 1K रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है मीटर के हिसाब से, तो ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करना है, और सारे रेजिस्टेंस को, अब यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस लगता है आपको ये पता है कि ये 10 ओम का होता है या 15 ओम का होता है लगभग, तो इसी तरीके से यहाँ भी हम नाप लेंगे। मान के चलो पहले इधर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने तो निकाल दिया है, और सप्लाई दे करके भी बताऊँगा, और इस तरीके से वीडियो कोई जल्दी बनाता नहीं है। यहाँ पर देखना क्या लिखा है, 100 मैंने 100, हाँ 100 लिखा है, तो इसका मतलब कितना होता है, अब इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है 10 होगा, 10 क्यों होगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब 100 था, ठीक है, अब क्या था, 1 था, 2 अंक का, जैसे मैंने बताया अंक का 2 अंक ही लिखता है, 1 और 0 अंक हो गया, जो तीसरे नंबर पे आता है कोडिंग के हिसाब से, जिसे 2 था तो हम 2 0 लगाते थे, लेकिन 0 ही है, तो 0 का मतलब क्या होता है, शून्य यानी वैल्यू यानी कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें 1000 से भाग लगेगा नहीं, तो जब 1000 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या रहेगा, क्योंकि लास्ट को तीसरा डिजिट 0 है, तो 0 का मतलब शून्य यानी ख़त्म, यानी कि 10 का 10, तो ये 10 ओम यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाप कर इसको देखेंगे, मीटर में भी दिखा दो, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी ये हमारा एक मिनट सही से सटाने दो यार, एक मिनट, हाँ वो रीडिंग चेंज करना पड़ेगा, सॉरी ओम में लगाना पड़ेगा हमें, और ओम में लगाने के बाद ये बताएगा, देखो 11 ओम, ठीक है, लगभग 10 ओम बता रहा है। ओम का अगर रेजिस्टेंस चेक करोगे जो 1000 से नीचे का वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, ये ओम वाले में लगा लेना है, ठीक है। और जब के में लगाओगे तो यहाँ से के वाला का जो सिस्टम होता है, ये के वाला का जो वैल्यू देता है, इसमें के वाले में लगा लेना है। तो इस तरीके का दोस्तों कोई वीडियो बनाता नहीं है पूरा कम्प्लीट, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें सप्लाई दूंगा, ठीक है, और सप्लाई देने के बाद देखो इसमें क्या होता है, सीधे ना आपको पता है कि गेट पे ना ये वोल्ट आना नहीं चाहिए, जब तक हम थ्रोटल को घुमाते नहीं, एक्सीलेटर को घुमाते नहीं, तो वो इसमें क्या आना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सीधे ना 48 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं, तो 48 वोल्ट क्या होता है, हमारे गेट में आ जा रहा है, तो गेट में तो हमारा 48 वोल्ट आना ही नीचे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 48 वोल्ट क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिखा रहा था, यहाँ से यहाँ आ रहा है या इधर से वापसी दे रहा है। तो जब मैंने इसको ट्रेस किया था, तो ट्रेस करने के बाद एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको,
यहाँ पे देखो, और यहाँ से जो यह सर्किट बन के आ रहा है, और यहाँ से ना नीचे से इसका एक जम्पर गया है, और जंपर होने के बाद वो क्या हुआ है, उधर से नीचे से जंपर होते 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 यहाँ तक आया है। तो इसको जब मैंने ट्रेस किया था यहाँ से लगा करके, कंटिन्यूटी पे लगा करके, तो इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है हमारा वैल्यू, ये दिखा रहा भी। तो यहाँ से होकर के, क्योंकि सप्लाई जो बन रहा है वो यहाँ से होकर के रिटर्निंग यहाँ भी जा रहा है, और यहाँ से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है, ये कैसे कन्फर्म करेंगे? इसके लिए यहाँ पे देखो मैंने एक प्रिंट भी काट दिया था, शायद आपको दिख रहा है, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं उधर से तो वोल्ट नहीं आ रहा है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ये प्रिंट काटने के बाद ये देखना पड़ेगा कि उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, फिर काट के देख लिया था तो उधर से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने ये मैंने माइनस में लगा दिया, हमारा प्लस कितना दिखा रहा है, 43 वोल्ट आ रहा है लगभग, इतने से काम चला लेंगे, 48 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये है, देखो ये गेट पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और किधर गया, गेट पे देखो 43 वोल्ट आ रहा है, मैंने ये गेट पे लगाना, इधर दिखाना, इधर भी थोड़ा दिखाना, मीट यहाँ पे, हाँ ये गेट है इसका। ठीक है, ये वोल्ट आ रहा है, फिर इस पर भी वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और देखो इस गेट पर नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम अब समझ में आ रहा है, इस दोनों में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट यहाँ पर है। अगर हमारा गेट पे 43 वोल्ट आ रहा है, तो ड्रेन तो प्लस ही है जो बीच से कनेक्ट है, यहाँ भी 43 आ रहा है। अब इसका मतलब सीधी सीधी साफ है, देखो अब इधर से सप्लाई नहीं जा रहा था, क्योंकि ये गेट का है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है। थोड़ा नज़दीक करो इसको, और कि जूम में सही से समझ में आए। हाँ, ये गेट है, गेट का जो प्रिंट है, प्रिंट इधर से अंदर से ये आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छाया बन जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है, सब में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है, जो मैंने हटा दिया है, जो वहाँ से रेजिस्टेंस बन के आता है यहाँ पे, सही से इधर दिखाओ, एक मिनट सही से दिखाओ। हाँ ये देखो, अब ये गेट है, मीटर भी दिखना चाहिए, देखो मीटर भी दिखाओ, मीटर थोड़ा सा ऊपर करो ना, हल्का सा, हाँ ज़्यादा मत करो ना, थोड़ा सा ऐसे कैमरा ऐसे कर दिया करो बस, अच्छा हाँ ऐसे। ठीक है, अब ये देखो गेट पे मैंने जब हटा दिया है, तो यहाँ पे हमारा वोल्ट आ रहा है, छोटा करना, ठीक है एक मिनट रुको, ये गेट वाला है। ठीक है, जब इस पार से हमारा, यानी कि हमारा जो ये ड्रेन है, ड्रेन से वोल्ट हमें गेट में आ रहा है, और जब रेजिस्टेंस हटा दिया तो यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ से वोल्ट यहाँ आ जा रहा था, आगे से होकर पीछे आ जा रहा था, और सारे लाइन पे वोल्ट आ रहा था, इधर से होकर यहाँ तक, यहाँ तक जा रहा था, और यहाँ से वापसी रिटर्निंग यहाँ तक आ रहा था, अभी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सारे हटा दिया। ठीक है, अब सीधे पता चल रहा है कि इसके गेट पर वोल्ट आ रहा था, गेट पर दूसरा कोई लाइन भी नहीं जा रहा है, तो हम पता कैसे करेंगे? इसका मतलब ये होता है, ये तीन लेयर का बोर्ड है, तीन लेयर का मतलब ये होता है कि एक लेयर जो ये ऊपर वाला प्रिंट चल रहा है, एक ये हो गया, और एक नीचे जो लेयर चल रहा है हमारा, एक ये हो गया, दो लेयर, और आपको ये बोर्ड जैसा आप देख रहे हो, इसके यहाँ से सही से दिखाओ कोने पे, यहाँ एक बीच में भी ना एक लेयर होता है। ठीक है, सही से देखोगे और भी पीसीबी में, तो यहाँ पे अगर आपको देखेगा तो बीच में एक लेयर होता है, ये प्रिंट का एक लेयर होता है, देखो आप सही से दिख रहा है, इसमें भी एक प्रिंट होता है, इसमें एक और बोर्ड ऊपर से और ये नीचे से चिपकाया जाता है, और एक लेयर और जो प्रिंट होता है जो जम्पर के लिए आगे पीछे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो लेयर है इसका, गेट वाला और ये ड्रेन से ना, दोनों क्या हो गए आपस में, अंदर से ही शार्ट हो गया है, अंदर से शार्ट होने की वजह से ये क्या होता है, ड्रेन जो है हमारा ये गेट को सप्लाई दे रहा है, और जिसी के वजह से ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, और ये जो है यहाँ पे अब वोल्टेज आ रहा है। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ से हट जाएगा तो अब इसका एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमें क्या करना है, गेट का पिन इसमें लगाना नहीं है, क्योंकि लगाएंगे तो फिर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और इसका भी गेट का जो पिन है मोसपेट का, इसका नहीं लगाना है। ठीक है, उसको ऊपर रखना है, और वहाँ से एक जंपर लेकर के सीधे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा देना है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रिंट काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो नहीं काटोगे तो वापसी ये फिर उसी में सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, अगर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे डायरेक्ट क्या करेंगे, मान लो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट उठा करके गेट को अगर तार देते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर दिया है तो लगाने के लिए ही दिया है, क्योंकि वो फ्यूज का एक तरह से काम करता है। ठीक है, और भी सामान खराब होने से बचाता है, तो हमें तो एक रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, और इसके बीच से हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट काट देंगे, और यहाँ से जो गेट है, गेट से क्या करेंगे, गेट को नहीं लगाएंगे, इसका एक तार उठा करके सीधे हम यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगता है 10 ओम का, हमें यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। और कमेंट में आपको बताना भी है कि और मैं एक अलग से सर्किट बनाया हूँ, इधर कहीं रखा था, कहाँ गया हो,
और मैंने इसमें जो पल्स आता है 010 का, वो भी हमारा जो ये सिस्टम देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करना, एक सिस्टम बना रखा हूँ, ये LED से कनेक्ट करके ये हमारा सिस्टम को बता देता है कि पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, और तीनों सेक्शन में प्रॉब्लम है या सही है, और उसके साथ एक सर्किट भी कमांड किया हूँ। और एक चीज़ और मैं एक आपको, और इस तरीका से एक पैनल भी मैं बना रखा हूँ जिसमें आपको ये सारा सिस्टम बता देगा। इसमें ये देखो कंट्रोलर की 3 तार लगाना है, इसमें मोटर की 3 तार लगाना है, और यहाँ से हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं MCB वगैरह, और ये MPR वगैरह की लोड ले रहा है नहीं ले रहा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी एक लोड के लिए सिस्टम बना रखा हूँ जिससे ये पता चल जाता है कि हमारा लोड कितना ले रहा है कंट्रोलर, ठीक है। इस तरीका से एक सर्किट बना के अगर आप कमेंट में कहोगे, कमेंट में अगर आप लिखते हो तो इस तरीके का एक सर्किट पूरा बना दूंगा, ताकि आपको और भी रिपेयर करने में आसानी हो जाएगा, सीखने में आसानी हो जाएगा। और ये जो जिस तरीके का हमारा सारा सिस्टम है, ये आप भी इस तरीके से बना करके यूज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये और भी जानकारी इस तरीके का आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें मैं MOSFET लगाने जा रहा हूँ, MOSFET लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। ओके स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखना ये बल्ब पास लाओ ना, ऐसे ही होल साफ कर लेना है, और सारे एक एक करके इसका जो होल है हटाना। अब ये देखिए, मैंने जैसे कि इसका जो गेट है, गेट को यहाँ से मैंने क्या किया है, ज़मीन से नीचे से बोर्ड के ऊपर से ही इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ से जो प्रिंट अंदर से काट रखा था गेट का, तो गेट का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। नीचे प्रिंट कटा है क्योंकि उसमें से सप्लाई में शॉर्ट था, तो सप्लाई में शॉर्ट था तो डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा वॉश कर दें पीछे से, और मैंने सारे MOSFET भी लगा दिया है, ये सब अपने आपने देख लिया। और उसके बाद इसको अब ऑन करते हैं, चला कर देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले मेरा जो MPR का जो सेक्शन है, उसको पहले थोड़ा सा मैं उस पर लोड देकर डालूँगा, ताकि कुछ नुकसान नहीं होगा, और उससे ये पता हो जाएगा कि ये हमारा सारा सेक्शन अब सही है। मैं इसमें सप्लाई लगा रखा हूँ, जैसे कि सारे कनेक्ट कर रखा हूँ। हाँ अभी आया, एक मिनट रुक जाओ। और ये सप्लाई देना रह गया, और इसकी सप्लाई, एक हाथ से यार वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं। और इन ये मैंने सप्लाई का भी निकाल रखा था, ये मैंने सप्लाई दे दिया, ये दे दिया, कम दिख रहा है इसको ऐसे करते, अब सही दिख रहा है। ओके, इस तरीका से